नमस्कार, मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं UP24 न्यूज। पढ़ेंगे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे बच्चे, यही नारा उत्तर प्रदेश सरकार का है। आज फिरोजाबाद में शासन द्वारा पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल बैग निशुल्क बांटे गए। इस कार्यक्रम में नगर विधायक के साथ कई बीजेपी के नेता मंच पर देखे। वही कल आए प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बयान पर नगर विधायक मनीष सचिदा ने भी आज पलटवार कर प्रोफेसर रामगोपाल यादव को एक नसीहत दी कि उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। फिरोजाबाद में भी आज प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल बैग निशुल्क बांटे गए। इस मौके पर नगर विधायक मनीष असीजा, बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ साथ कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। सभी ने बच्चों को स्कूल बैग दिए। देखिए, 6 महीने के अंदर योगी जी के सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना बड़ा काम किया है जो देखने में सहज लगता है। अब जैसे बच्चों को स्कूली बैग बांटे जा रहे हैं, फिरोजाबाद जनपद में अकेले में 1,49,000 यानी 1.5 लाख के करीब बैग बट रहे हैं। अभी ये बैग बटेंगे, इसके बाद हम जूते मोजे बांटने वाले हैं। 2 मोजे, 1-1 जोड़ी जूते, अच्छी क्वालिटी। आप बैग की क्वालिटी भी देखिए। उसके तुरंत बाद सर्दी आ जाएंगी, प्रत्येक बच्चे को 2-2 स्वेटर देने वाले हैं। ये एक तरफ, जब हम सर्व शिक्षा अभियान में जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा था पिछली सरकारों में, उसको रोककर सही उपयोग किया जा रहा है। वहीं कल एक कार्यक्रम में आए समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने शिक्षा विभाग पर कहा था कि 10% भी शिक्षा विभाग में बजट नहीं है। पैसा एक नहीं है, लगाएंगे कहाँ से? शिक्षा पे बजट 10% भी नहीं रहा है। इस पर नगर विधायक मनीष सचिदा ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव को नसीहत दे दी। आप भी देखिए क्या कहा विधायक जी ने। देखिए कितना अंतर है प्रोफेसर रामगोपाल जी में और हमारे योगी जी में। चुनाव से पहले ये लोग खनन के लिए और ठेकों के लिए लड़े थे, ये सब समाचार पत्र जानते हैं। ठेकों के लिए लड़े थे ये, और अब दौज मिल रही है। और योगी जी की सोच देखिए, बैग की क्वालिटी अच्छी है, चित्र लोगो लगाए सर्व शिक्षा अभियान, बैग की क्वालिटी घटिया थी, फोटो लगा था अखिलेश यादव जी का। प्रोफेसर रामगोपाल जी का जितना बड़ा कद है, उनकी सोच और बयान उससे मेल नहीं खाते। आपने देखा कि किस तरह आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति होने लगी है। अब देखना ये है कि किसकी बात कहाँ तक सही है। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। कन्हैयालाल गुप्ता, महानगर अध्यक्ष, फिरोजाबाद की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नदीम अहमद, वार्ड नंबर 14 से AIMIM पार्टी के पार्षद प्रत्याशी की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नीता पांडे, समाज सेविका की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद इसरार, वार्ड नंबर 59 से AIMIM पार्टी के पार्षद प्रत्याशी की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। फहीम खान व पत्नी नूरी खान, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 39 की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कमलेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त, फिरोजाबाद की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मुजाहिद अमन कमेटी की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रमोहन शर्मा की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रशांत तिवारी व मयंक गोयल की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सतीश चंद्र एंड कंपनी और SK ऑटो की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया है मैरिसन होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन की अच्छी व्यवस्था है। इस रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उत्तम व्यवस्था है। रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर एक हॉल की व्यवस्था भी है, जहां एक कार्यक्रम करने की व्यवस्था है।
वहीं इस रेस्टोरेंट में अच्छा और सही दामों में भोजन मिलता है। हमारे यहाँ एसी और नॉन एसी की व्यवस्था भी है। आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है निकट कोटला चुंगी चौराहा फिरोजाबाद। प्रोप्राइटर राजेंद्र तिवारी और संजय अग्रवाल। ओम साई पब्लिक स्कूल की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।